नमस्कार दोस्तों, ये लकी जी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। हम पहले वीडियो का दूसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं, इसे आप ध्यान से देखिएगा। इसमें हम सभी कंपोनेंट को किस प्रकार वायरिंग किए थे पहले वीडियो में, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। ये हमारा एलईडी लाइट है जो 3.7 वोल्ट तक की बैटरी को कंज्यूम करता है। ये 8 mm लाइट है। ये हमारा रोटरी है जिससे हम लाइट को कम ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं। ये हमारा 3 वोल्ट का बैटरी है। ये हमारा डायोड है जो ये जो आप सिर्फ देख रहे हैं ये प्लस पॉइंट है, और जो ये सिल्वर साइड देख रहे होंगे आप ये माइनस पॉइंट है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है जो 220 ओम का है। इसे हम चार्जिंग पिन के लिए यूज करेंगे, चार्जिंग लाइट इंडिकेटर के लिए, जिससे हमारा लाइट फ्यूज ना हो सके। ये हमारा चार्जिंग पिन है जो LG 3500 से हम चार्ज करेंगे। इसका हम पूरा डायग्राम आपको समझाएंगे किस प्रकार हम करेंगे। चलो तो हम फिर शुरू करते हैं। तो हम एलईडी का पहला प्लस पॉइंट को लेंगे और रोटरी का एक पॉइंट से हम जॉइंट कर देंगे। इसके लिए हम रेड कलर का वायर का यूज करेंगे क्योंकि हम प्लस वायर को ही जोड़ रहे हैं। फिर दूसरे सिरे रोटरी के दूसरे सिरे से ही हम निकालेंगे और बैटरी के प्लस पॉइंट में हम इसको ले जाएंगे। याद रखें हमें प्लस पॉइंट में ही लगाना है। और बैटरी के दूसरे पिन को निकाल लेकर हम लाइट के दूसरे माइनस लेग में जोड़ेंगे। हमारा ये लाइट के लिए हो गया है और हम चार्जिंग के लिए लगाएंगे। डायोड के प्लस पॉइंट को हम बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट में लगाएंगे और ध्यान दें ये दूसरे में शॉर्ट ना हो सके। और माइनस डायोड के माइनस पॉइंट को हम ले जाकर चार्जिंग पिन के प्लस पॉइंट में जोड़ देंगे। चार्जिंग का दूसरा पिन हमारा माइनस पिन है, इसे अभी हम कुछ नहीं करेंगे। डायोड में ध्यान देंगे जो ब्लैक सिल्वर वाला पॉइंट है वो चार्जिंग पिन के ही पास जोड़ेंगे। और हमें इसमें लगाने के लिए अब हमें एक इंडिकेटर लाइट की ज़रूरत पड़ेगी जो हम अभी आपको बना के दिखा रहे हैं डायग्राम में। ये हमारा लाइट बन गया है, इसमें हम प्लस और माइनस दर्शा दे रहे हैं। ये मान लो ये हमारा माइनस, ये प्लस है। और हम इसका वायरिंग करेंगे दिखा रहे हैं आपको। हम इस बल्ब का प्लस पॉइंट को लेकर हम इस रेजिस्टेंस की हम एक पॉइंट में जोड़ देंगे। रेजिस्टर में कोई प्लस और माइनस नहीं होता, हम चाहे जिस तरह से जोड़ सकते हैं इसे। और दूसरा रजिस्टर का दूसरा पिन को हम ले जाकर डायोड के इस चार्जिंग पिन वाले जो पिन है उसमें जोड़ देंगे। इस तरह हमारा ये वाला सर्किट कंप्लीट हो गया है। इसे हम थोड़ा दूसरा पिन को वायरिंग करेंगे जो हमारा चार्जिंग पिन का माइनस पिन है और बल्ब का माइनस पिन, इसको हम एक कर लेंगे। इसको हम एक करने के लिए हम नीले वायर का यूज़ करेंगे। आप कुछ भी कोई भी कलर यूज कर सकते हैं दोनों को। और यहीं से हम एक वायर उठा के बैटरी के माइनस पॉइंट में ले जाएंगे। माइनस पॉइंट में हमने जोड़ दिया है इसी पॉइंट को, माइनस पॉइंट को यहाँ से उठा के हमने बैटरी में माइनस में जोड़ दिया है। ये सर्किट डायग्राम हमारा बन के तैयार हो गया है। और जो आपको ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हमारी अगली वीडियो में जिस कंपोनेंट का यूज़ करेंगे हम आपको अभी बता दे रहे हैं। हम ये हमारा मल्टीमीटर है, इससे हम किस प्रकार आप ये कंपोनेंट यूज कर सकते हैं इसमें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आने वाले वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन